उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चल रहा है। उस बीच नरेंद्र मोदी गया में उपस्थित दिखे, उन्होंने भाषण दिया, उस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, सबसे पहले आप सुनिए वीडियो में कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, उन्होंने क्या कुछ कहा, वीडियो में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज गया के लोगों का दिल जीत लिया है, आज बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। मोदी की गारंटी आने के बाद, ये मैनिफेस्टो आने के बाद, संकल्प पत्र आने के बाद बिहार पहली बार आए और जिस तरह की भीड़ ने उनका स्वागत किया है, जिस तरह से उन्होंने मोदी की गारंटी में 3 करोड़ पक्का मकान पूरे देश में देने का, 70 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत का पूरा कवर देने का, उसी तरह 5 किलो जो अनाज है वो सबको 5 साल तक आगे मिलता रहेगा, इससे बिहार में लोगों को बहुत खुशी हुई। साथ में उन्होंने आरजेडी की सरकार जब थी उसकी याद दिलाई कि किस तरह जंगल राज था। उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज आरजेडी की पूरी पोल खोल दी है और इस तरह स्वागत गया के अंदर हुआ है, एकदम तय हो गया है कि इस बार 40 की 40 सीट मोदी जी के नाम पर एनडीए को आने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना कि शहनवाज हुसैन साफ तौर पर उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि गया की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है। जी हाँ, हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का गया दौरा चल रहा है, उस बीच जो भी कुछ नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया उसको लेकर शहनवाज हुसैन पॉजिटिव नजर उनका था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गया की जनता नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद, संकल्प पत्र जारी होने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी मैदान पर दिखे और उसके बाद उन्होंने भाषण दिए और भाषण से उत्साहित जनता उनका पूरा का पूरा संबोधन करते नजर आई। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर, हम जानते हैं कि सुबह की ही बात है जब नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा था कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के बर्बादी के पीछे आरजेडी का पूरा पूरा हाथ है, उसको लेकर शहनवाज हुसैन भी बोलते दिखे कि नरेंद्र मोदी ने सही बात कही कि आरजेडी का हाथ है जो बिहार आज के समय में बर्बाद है। जी आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सबसे पहले मैनिफेस्टो के बारे में बात की कि मैनिफेस्टो जारी होने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दिखे और मैदान पर दिखने के साथ दर्शकों ने भी उनका पूरा साथ दिया। दर्शक जो गया के लोग थे वो नरेंद्र मोदी से बहुत खुश हैं। मैं आपको बता दे कि मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जब से जारी हुआ है उसके बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दिखे। बिहार दौरा चल रहा है नरेंद्र मोदी का और बिहार दौरा में गया में इस वक्त उपस्थित थे नरेंद्र मोदी, उनके भाषण थी वहां पर, उस भाषण से प्रोत्साहन होकर शहनवाज हुसैन साफ तौर पर बोलते दिखे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मोदी के जो सुबह के भाषण थे आरजेडी को लेकर, राजद को लेकर, जंगल राज को लेकर बहुत सारी बातें थी, उसको साफ तौर पर शहनवाज हुसैन ने बरकरार रखा और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आरजेडी की वजह से जो बिहार बर्बाद की बात मोदी ने की थी वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात आपको बता रहे, संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र मैनिफेस्टो जो जारी की गई है, उस मैनिफेस्टो जारी की गई है वो बातें, वो वादे भी पूर्ण जल्दी होगी, बस लोकसभा चुनाव की देरी है, लोकसभा चुनाव हम जीत जाते हैं उसके बाद वो हर एक वादे हम पूरे करेंगे जो वादे संकल्प पत्र में दिखाए गए हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बोलते दिखे और शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे एक न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।